यार बैचलर होने पे ये सारी चीजें, मम्मी दादी ये लोग बहुत मदद करते हैं। कोई भी चीज अगर आपको नया बनाना है जो आप पहले कभी नहीं बनाए हो। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एक नई सुबह है लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूँ। अभी 9:45 हो रहे हैं, 45 मिनट लेट चल रहा हूँ। 8 बजे मेरा टाइम होता है जिम जाने का, मगर मैं सोया ना तो नींद ही नहीं खुली। अमित ने 5 कॉल किए हैं, 5-6 मिस्ड कॉल्स देखे मैंने। अभी फटाक से उठ कॉल बैक किया उसको, मैंने बोला कहाँ है, तो जिम में है। मैंने उसको बोला है कि थोड़ी देर वेट कर, मतलब ट्रेनर को, और 10 मिनट में मैं जिम पहुँच रहा हूँ। जस्ट अभी फ्रेश हुआ हूँ, ये कॉफ़ी बनाया हूँ, कॉफ़ी ले करके वहाँ जाना है जिम में। खुल जा सिम सिम। चलिए, अभी 10 मिनट बाकी है 9 बजने में और मैं पहुँच गया हूँ जिम टाइम से थोड़ी देर पहले। हाँ, ये है 8:30 बजे तक हम लोग वर्कआउट शुरू करते थे, आज 9 बजे से शुरू करेंगे, आधे घंटे लेट। मैंने विक्की को बोला था कि भाई तू साइकिलिंग करता रहा, मैं फटाफट पहुँच रहा हूँ। अभी देखता हूँ कार्डियो सेक्शन में है या वर्कआउट करने चला गया है वो। ये देखिए वेट कर रहा था मेरा। चलिए वर्कआउट करने के बाद मिलता हूँ। वर्कआउट करने के बाद इतना ज्यादा ट्रेन हो जाता हूँ, शरीर में ताकत ही नहीं बचती है। अभी वर्कआउट हो गया है, घर जाऊंगा, कुछ अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। पहले सोचा इधर से इडली ले लूं, लेकिन नहीं, वो मेरे डाइट में है नहीं। आज उच्चतम लेवल की वाट लगी है भाई, बोला भी नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द नहीं, वीकनेस हो रही है। एक मिनट बैठता हूँ पहले, नहीं प्रोटीन भी पीना। अभी था प्रोटीन लूंगा तब बॉडी में थोड़ी एनर्जी आएगी। आज मेरा बॉडी पार्ट था बैक। बैक बड़ा बॉडी पार्ट होता है, इसको टारगेट करने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए होती है। आज मैं देर से उठा, रश करके जिम भागा। रोज़ मैं जिम जाने से पहले सुबह में खाली पेट एक सेब खाता था, आज वो भी खाए बगैर चला गया। जिम में जब वर्कआउट कर रहा था थोड़ा थोड़ा सर भारी सा हो रहा था। मैंने ट्रेनर से पूछा कि ऐसे वर्कआउट करने की वजह से हो रही है या क्या हो रहा है, ये सर थोड़ा भारी सा क्यों लग रहा है। उसने बोला कुछ खा के नहीं आए हो क्या सर आप। तब मुझे पता चला भाई बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी के चक्कर में वाट लग गई। अभी नारियल पानी पिया हूँ, फिर भी उतना ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस हो नहीं रहा है, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, खीरा है, एप्पल है और साथ में नारियल। नारियल पानी पियो और उसका नारियल लेके आके नाश्ते में कर लो, डबल फायदा। अभी मेरे डाइट में यही सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को खाना है। देखते हैं धीरे धीरे जैसे डाइट चेंज होगा उस मुताबिक बॉडी भी चेंज होगी। अच्छा तो गाइज, अभी मैं हूँ अपने किचन में। देखिए करेले लेके रखाया था मैंने, मंगवाया था करेला, तो अभी सोचा है, मैंने 2 दिन से सोच रहा हूँ कि करेले का भुंजिया बनाऊंगा, बट मुझे करेले का भुंजिया बनाना आता नहीं है। अभी मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है मम्मी बिजी है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। चलो कोई नहीं, दादी को फोन करता हूँ। दादी को फोन करके पूछता हूँ कि आखिर करेले का भुंजिया बनाने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से बनाते हैं। भुजिया वगैरह बनाने मुझे आता नहीं है। हेलो। हाँ दादी, और धोने के बाद इसको छोटे छोटे पीस में काट देना है। ठीक है, तो करेला जाते। नमक और मसाला वगैरह कब डालूंगा? नहीं ना, तो अभी दादी ने प्रोसेस तो बता दिया है, मैं देखता हूँ इसको फॉलो करने का कि ये जैसा सब लोग बनाते हैं वैसा मुझसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। बचपन में करेले का भुंजिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, करेले का सब्जी भी नहीं खाता था मैं। नाउ आई जस्ट यूज्ड टू लव दिस। मम्मी भी फोन कर रही है। हाँ बेटा। अरे वो फोन कर रहा था मैं कि करेले का भुंजिया कैसे बनता है। यार बैचलर होने पे ये सारी चीजें, मम्मी दादी ये लोग बहुत मदद करते हैं। कोई भी चीज अगर आपको नया बनाना है जो आप पहले कभी नहीं बनाए हो। पहली
पहली बार करेले का भुजिया बना लिया। ये देखिए आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है मेरे करेले का भुजिया। देखिए मम्मी से पूछा तो दादी से भी बात हो गई, और उसके बाद पापा ने भी फोन किया, पापा ने अपने दोस्त से भी बात करवाई जो उनके साथ कलीग है मुकेश भैया, उन्होंने भी फिर मुझे बताया कि कैसे कैसे बनाना है। यू नो लड़का जो कुक करता है वो आपको अच्छे तरीके से बता सकता है, तो उन्होंने भी मुझे काफी ज्यादा गाइड किया। और फिर उन्होंने मुझे एक चीज कहा है कि जब मैं भुजिया बना लूं उसके बाद उनको एक तस्वीर भेजूं कि मैंने आज कैसा भुजिया बनाया है। तो एक फोटो उनके लिए, ये फोटो खींच लिया है, मुकेश भैया को भेजता हूं और मैं खाता हूं खाना, बड़ी तेज भूख लगी है। गाइज आप लोग जानते हैं आज 17 तारीख है, आज विश्वकर्मा पूजा भी है, सुबह के बाद अभी रात हो गई है, हम लोग आए हैं। ये देखिए मैं हूँ, अमित है, हाय गाइज, और ये अमित की बाइक है, ये मेरी बाइक है, हम लोग सब अभी विश्वकर्मा पूजा करने वाले हैं। चलिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। ये विक्की की बाइक है, ये मेरी बाइक है, दोनों का पूजा हो गया है। देखिए बहुत ढूंढने के बाद अगरबत्ती डालने का जगह मिला हम लोगों को, विश्वकर्मा पूजा डन, वाइट एंड ब्लैक, हाँ हस्बैंड वाइफ। तो हमारा पूजा तो हो गया, हम लोगों ने पूजा कर दिया अच्छे तरीके से, अब कल हम लोग बाइक चलाएंगे। अभी मैं अपने फ्लैट पे तो लेके जाऊंगा अपनी बिल्डिंग में। दिन भर में हम लोग बहुत थके हुए थे, क्या बहुत ज्यादा, जिम का जो हम लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, फाड़ के रख दे रहा हमारी बॉडी। ये तो सो भी लिया, मेरे को तो सोने का मौका भी नहीं मिला। दोपहर में तो मैं सो लिया था, अभी शाम को इसने फोन किया तभी मैं उठा। अलग लेवल पे हम लोग की ड्यूटी जा रही है, और मुझे लगता है कि अपनी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। एंड सून हम लोग की बॉडी चेंज हो जाएगी। देखिए हवा आया ना, अगरबत्ती ऐसे जल रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है उसका धुआं, दोनों बाइक की, उसकी भी और इसकी भी। लेकिन अच्छा है यार, दोनों सही लग रहा है एक साथ। कल मैंने आप लोग को बोला था कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने एक और चीज़ मंगवाया है, वो है माइक। तो आज माइक आ गई है, अभी फ़ोन किया अमेजोन ने, मैं इधर हूँ तो उसने गार्ड को दे दिया, अभी जाके कलेक्ट कर लूँगा। आप सोचो एक वाइट एक ब्लैक, हम दोनों जब निकलेंगे रोड पे मोटो ब्लॉक करने के लिए, अलग फीलिंग आएगा। जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, अभी तो सब प्रैक्टिस चल रहा है कि जब हम ऑन ग्राउंड पहुंचे जीरो ग्राउंड पे तो सब कुछ सही हो। अभी तो 12:30 हो रहे हैं, सोने का टाइम दोबारा से हो रहा है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। आज बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हो गया है, पता है क्या, आज मैंने प्लान बनाया था कि मैं जाऊँगा, क्योंकि दादी मेरी मुंबई में है, तो मैंने सोचा था कि आज विश्वकर्मा पूजा दादी ही करेगी। लेकिन दोपहर में काम करते करते शाम के 3 या 3:30-4 बजे के लगभग में मुझे बहुत गंदी वाली नींद आने लगी, और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने सुबह ही आपको आज बताया था कि आज बैक का एक्सरसाइज था, तो वो टारगेट करने पर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है इंसान। कल लेग्स है, कल तो और ज़्यादा वाट लगने वाली है। तो ठीक है, फिर भी ये सब एक हफ्ते में लगता है सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। तो आज जाने वाला था मैं दादी के पास कि दादी पूजा करेगी, मिल भी लूँगा, काफ़ी टाइम हो गया, हो नहीं पाया पॉसिबल। देखते हैं कल का क्या रहेगा, अगर कुछ ऐसा सब कुछ नॉर्मल रहा तो कल जाऊँगा। वैसे फ़िलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है कल के बारे में, आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो पसंद आई होगी, भाई यहाँ तक देखा है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, समझा भाई। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेरा ब्लॉग देखते रहिए। भारत माता की जय, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, लव लव।